कि हमने अगर बिहार की अगर बात की है तो झारखंड में भी सारी जो दरिंदगी की जो हदें हैं वो पार हुई, क्योंकि गोड्डा जिले में ओझा और हकीम की वेश में दरिंदे घूम रहे हैं और उनके निशाने पर आदिवासी महिलाएं हैं। गोड्डा जिले के देवदार थाना इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां घर के बीमार बेटे के इलाज के लिए पहुंचे ओझा ने नशीला लड्डू खिलाकर सबको बेसुध किया। बेसुध हालत में सास और दो बहुओं के साथ घिनौनी हरकत की, जिसके बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और घटना सामने आने के बाद हर कोई सन्न रह गया। देखिए रिपोर्ट। आदिवासी परिवार के इस घर का बड़ा लड़का बीमार था, दिमागी रूप से कुछ दिनों से वो परेशान था। उसके इलाज के लिए उसकी पत्नी और मां ने एक ओझा को बुलाया। ओझा भी अपना तामझाम लेकर पहुंचा, अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ाया और उसके बाद उस लड़के को लड्डू खाने को दी। यही लड्डू उसकी माँ, पत्नी और देवरानी को खिलाया। लड्डू खाते ही सभी अपना सुध-बुध खो बैठे। उनके शरीर में हरकत करने की ताकत नहीं रही। दोनों बहू और सास को अलग अलग कमरों में ले गया और वहां ओझा ने अपने अंदर का जानवर बाहर कर दिया। आरोप है कि तीनों महिलाओं के साथ बारी बारी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, बेसुध हालत में उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की। छोटी बहू को जब होश आया तो ओझा ने उसे ये बताने की कोशिश की कि ये इलाज और झाड़फूंक का हिस्सा था, अगर उसके बारे में किसी को बताया तो उसके भैंसूर का मर्ज और बीमारी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर वो 7,500 रुपए लेकर चलता बना। जब परिवार एक साथ हुआ तो उन्हें पता चला कि सबके साथ उसने ऐसे ही हरकत की। परिवार ने फौरन थाने में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी महिलाओं को मेडिकल के लिए साथ ले गई। वहाँ से निकाल दिया तो इसको तो आगे निकाल दिया, तो ढाबा में खड़ा किया और ऐसे ऐसे सुनने लगा, तो इधर 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 सुनने लगा एकदम, कोई हाथ भी गुस्सा दिया इधर अंदर, बोल नहीं पाते हैं। और बाद में हम लोग सब बता बती सास पुत होते हैं ना, आप कैसे कर दिया वो झाठू, नहीं हम लोग ऐसे कर दिया, तो हम भी बोल रहे हैं, दोनों पुतोही गोतनी भी बता रहे हैं। तो दोनों को क्या बताया, हमने सब भी वही किया, हाँ, किया।, सब किया वही तरह किया। हाँ, और हम लोग एक ही बार किया, मैंने दोनों पुतों को दो दो बार किया। हाँ, और आपके साथ एक बार किया। हाँ। लेकिन 24 घंटे बाद भी ओझा पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मामला गोड्डा जिले के देवदार थाना इलाके का है। आरोपी ओझा भी गोड्डा जिले के धोपरी काजरा चरका टोला का रहने वाला है। ओझा का नाम कुदुस है जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, लिहाजा अब राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील टुडू ने सीधे सरकार और प्रशासन को घेरा। झारखंड राज्य में और झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी रहते हुए हमारे आदिवासियों के साथ अल्पसंख्यक के द्वारा झारखंड के नाम पर और उन परिवार में बारी बारी से दुष्कर्म करना, ये अत्यंत ही दर्दनाक घटना है और घटना को संज्ञान में लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बारी बारी से पता चला कि घटना सही है और घटना जब सही है तो आज पुलिस प्रशासन आज तक फेल्योर रहा जब पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया गया। आरोप गंभीर है, आरोप से ज्यादा इस घिनौनी घटना को अंजाम देने का मोडस ऑपरेंडी खतरनाक है। आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग जानकारी के अभाव में झाड़फूंक का सहारा लेते हैं, लेकिन अब नीम हकीम और ओझाओं के भेष में भेड़िये घूमने लगे हैं। लिहाजा पुलिस के साथ साथ लोगों को भी सतर्क होना होगा। लेकिन संथाल में ये घटना हुई जहां पहले से ही आदिवासी परिवारों को कथित तौर पर एक खास मॉड्यूल के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। प्रशासन को इस पर सदी हुई और ठोस कार्रवाई करनी होगी। गोड्डा से TV45 के लिए दीनदयाल तिवारी की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीनदयाल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, उनका रुख करेंगे। दीनदयाल, देखिए गोड्डा जिले में ओझा और हकीम की वेश में अब दरिंदे घूमने लगे हैं और एक ओझा की काली करतूत सामने आई है जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है, क्या कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जागरूकता का घोर अभाव कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के और वही आदिवासी परिवार के तीन लोगों को तांत्रिक द्वारा मिठाई में नशीला पदार्थ खिला करके और उनके साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, यह मामला प्रकाश में आया है और यह मामला धीरे धीरे काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब से ये मामला सामने प्रकाश में आया तब से पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है और पीड़ित परिवार को पुलिस बयान के लिए लेकर गई है। अब इसमें देखना होगा कि प्रशासन के तरफ से इस तांत्रिक को किस तरह से इसमें किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के सामाजिक स्तर पर अगर कोई माहौल क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं जागरूकता की घोर अभाव है। क्योंकि आज भी लोग
झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका शोषण होने लगता है और कई तरह के समस्याएं सामने उभर करके आती है। जी दीनदयाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अगर हम बात करें झारखंड हो, बिहार हो या पूरा देश भर में इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं दुष्कर्म के और असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट के, तो ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे, कहीं से भी इसमें रोकथाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए ये तो अंधविश्वास की बातें हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो खबरें सामने आती कि दुष्कर्म की इजाज़त फिर कौन देता है, आपको किसने हक दिया है कि आप महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़ करिएगा, वो भी उन्हें बेहोश कर कर। और ऐसे में ओझा ने भी यही किया है, फिलहाल ओझा फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है और महिलाओं ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की है, FIR दर्ज कराया है और पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो देखने वाली बात हुई कब दरिंदा ओझा पुलिस की गिरफ्त में आता है।